दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर आर पर्पज़ पे। आज के वीडियो में अपन एबडक्शन एंड किडनैपिंग देखने वाले हैं। एबडक्शन मतलब अपहरण, किडनैपिंग मतलब व्यापहरण। सामान्य व्यक्ति अपहरण शब्द को ही समझता है, किसी व्यक्ति का अपहरण हो गया इतना ही पर्याप्त है, लेकिन लॉ के स्टूडेंट्स जानते हैं कि अपहरण क्या है और व्यापहरण क्या है, जिसको हम डिटेल में तो अभी समझेंगे। सेक्शन 359 से सेक्शन 369 तक उनके बीच में डिफरेंसेस को भी हम देखेंगे और हम ये देखेंगे कि सिनॉप्सिस हमको कैसे तैयार करनी है अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से। सेक्शन 359 में डिफाइन है अपहरण और व्यापहरण के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपने सब्जेक्ट के ऊपर और हम देखते हैं अपहरण और व्यापहरण। सेक्शन 365 किडनैपिंग और एबडक्टिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन हुएवर किडनैप्स और एबडक्ट्स एनी पर्सन विद इंटेंट टू कॉज दैट पर्सन टू बी सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली कन्फाइंड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। सेक्शन 365 किडनैपिंग और अबडक्टिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइनमेंट कन्फाइंड पर्सन। मतलब इसमें क्या हो रहा है, किडनैपिंग या अबडक्टिंग, व्यापहरण या अपहरण, गुप्त रीति से किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध करने के उद्देश्य से किया जाता है। और ऐसा मतलब गुप्त रूप से उसको सदोष परिरोध किया जाता है। पहले तो हम सब सदोष अवरोध और सदोष परिरोध को समझें। सेक्शन 339 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, सदोष अवरोध, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी दिशा में जाने का राइट है और उसको उस दिशा में जाने से रोक दिया जाए, तो ये हो गया सदोष अवरोध। सदोष परिरोध, यदि व्यक्ति को चारों दिशाओं में चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, कहीं भी जाने से रोक दिया जाए, वो किसी से संपर्क नहीं कर पाए, तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है सेक्शन 340 में। तो ऐसा मतलब सदोष परिरोध करने के उद्देश्य से जब कोई व्यक्ति का किडनैपिंग या अबडक्टिंग कोई व्यक्ति करता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास प्लस फाइन दोनों हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। मतलब 7 वर्ष तक का कारावास होगा उसको, 10 to 1 day to 7 years तक का, और प्लस फाइन, मतलब 7 वर्ष तक कारावास जुर्माना हो सकता है। यदि कहीं क्लासिफिकेशन सेक्शन का यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि संज्ञेय अपराध है, नॉन बेलेबल है, अजमानती है और असमनीय है, नॉन कंपाउंडेबल है। और ट्रायल इसकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में होगी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसकी ट्रायल चलाएगा। तो सेक्शन 365 हमने देखा, जिसमें हमने देखा किडनैपिंग और अबडक्टिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन, मतलब एक व्यक्ति को प्रबल प्रतिरोध के माध्यम से गुप्त रीति से उसको लगने के माध्यम से उसका किडनैपिंग या अबडक्टिंग कर लेते हैं, तो 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है। अब वही सेक्शन 366 देखते हैं। सेक्शन 366 किडनैपिंग अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमैन टू कंपेल हर मैरिज etc. Whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled for or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse shall be punished with imprisonment of either description or for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine and whoever by means of criminal intimidation as defined in this code of abuse of authority or any other method of compulsion induces any woman to go from any place with an intent that she may be or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to elect intercourse with another person shall also be punishable as aforesaid। सेक्शन 366 पे क्वेश्चन आया था MPPSC 2010 में।
Now, some important cases. Sri Ram Pita Murar Patel aur Anya Vanam Raj 2015 4th Manish Saha 4 MP ka mamla. Is mamle mein भारतीय जनता संहिता की धाराओं 366, 376D, 323, 506/34 और SC/ST एक्ट की धारा 3(2) के अधीन अपराध न्याय हित में अग्रिम जमानत की मंजूरी दी गई थी। और एक अन्य मामला और है इससे संबंधित, कुमार सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2013 LJLJ 90 में ये प्रकाशित हुआ था। व्यापहरण तथा बलात्संग के अपराध रूढ़ी के नाम पर न्याय संगत नहीं ठहराए जा सकते। पुत्री का विक्रय करने की रूढ़ी विधिमान रूढ़ी नहीं है। नैतिकता तथा लोक नीति के विरुद्ध विधि द्वारा भी निषिद्ध अपराध साबित हुआ था इस मामले में। सेक्शन 366 किडनैपिंग एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज, मतलब महिला से विवाह करने के उद्देश्य से किसी महिला को किडनैप या एबडक्ट किया जा रहा है, विवाह अपहरण अपहरण किया जा रहा है विवश करने के लिए, और चूँकि वो विवाह किया जाएगा तो एक संभोग भी होगा उसके साथ। तो कहने का तात्पर्य है कि महिला के साथ जबरदस्ती करके उसको विवाह करने के लिए ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं, बहका ले जाते हैं, बाहर की भारत की सीमाओं से बाहर ले जाते हैं। यदि नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु की है तो उसको ले जाते हैं, एक संभोग के लिए ले जाते हैं, विवाह करने के लिए ले जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति कोई करता है 10 वर्ष कारावास और जुर्माना हो सकता है। वहीं यदि ये सेक्शन आपराधिक अभित्रास के माध्यम से भी ये किया जाए कि महिला को ले जाया जाए और किसी अन्य व्यक्ति से विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध कराया जाए और वह एक्ट संभोग करे, तो 10 वर्ष तक का कारावास जुर्माना उस कंडीशन में भी हुआ। तो सेक्शन 366 का क्लासिफिकेशन देखें तो जो मामला है संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है, असमनीय है, नॉन कंपाउंडेबल है और नॉन अवेलेबल है, अजमनती है, मतलब पुलिस थाने से इसकी जमानत नहीं होगी, और कोर्ट ऑफ सेशन जो है इसकी ट्रायल करेगा। टेट इसमें ट्रायल जो कह रहे हैं कौन कर रहा है, सेशन कोर्ट कर रहा है। 366 से प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल हुएवर बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर इंड्यूसेस एनी माइनर गर्ल अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स टू गो फ्रॉम एनी प्लेस और टू डू एनी एक्ट विद इंटेंट दैट सच गर्ल मे बी और नोइंग दैट इट इज लाइकली दैट शी विल बी forced or seduced to elect intercourse with another person shall be punishable with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Section 366 से अभी 366 दे रहा था, अब section 366 से procuration of a minor girl, अप्राप्त वयस्क लड़की का उपापन, लड़की मतलब अप्राप्त वयस्क से मतलब क्या है, माइनर किसको कहेंगे हम यहाँ पे इन सेक्शन के अंतर्गत, माइनर यदि लड़की है तो 18 वर्ष से कम आयु की, अठारह वर्ष से कम आयु की यदि कोई लड़की को विवश करता है, विलुप्त करता है या उसको जबरदस्ती ले जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करे या अयुक्त संभोग करने के लिए विवश की जाएगी, अनरीजनेबल अयुक्त मतलब अनरीजनेबल मैथन करने के लिए उसको जबरदस्ती विवश किया जाएगा, तो ऐसे अपराध में जो व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा, खुद करता है या किसी अन्य से करवाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाएगा, दंड की जो मात्रा है 10 वर्ष तक का कारावास प्लस फाइन जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर 10 to 10 years है, मतलब 10 वर्ष तक का कारावास में से एक दिन से लेकर 10 वर्ष तक कारावास हो सकता है, जो कि न्यायालय को पर निर्भर करता है कि वो दंड कितना दे। क्लासिफिकेशन यदि सेक्शन का देखें तो मामला संज्ञेय है, अजमनती है, असमनीय है, कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, और कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा इसकी ट्रायल होगी। तो ट्रायल हो रही है सेक्शन आपके सेशन जज के द्वारा, सेक्शन 366 से था प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल्स, अप्राप्त हुए लड़की का उपापन, मतलब उसको ऐसे ले जाना, ऐसे विलुप्त करना, ऐसे परेशान करना, ऐसे विवश करना कि वो किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करे, ठीक है, तो 10 वर्ष का कारावास जुर्माना हो जाएगा। सेक्शन 366 बी इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, हुएवर इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया from any country outside India or from the state of Jammu and Kashmir, any girl under the age of 21 years with intent that she may be or knowing it to be likely that she will be forced to seduce to elect intercourse with another person
shall be punishable with imprisonment, which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine. Section 366B है वो बताता है importation of girl from foreign country, मतलब विदेश से यहाँ विदेश से मतलब क्या है, विदेश से मतलब है भारत से बाहर या जम्मू कश्मीर राज्य से उसका क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, ऐसी लड़की का आयात किया जा रहा है, आयात कर रहे हैं, इम्पोर्टेशन कर रहे हैं, और उसकी एज जो है 21 वर्ष से कम है, कम 21 वर्ष से कम आयु की लड़की को इस हेतु भारत से बाहर से जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से हो सकता है, भारत से बाहर या जम्मू कश्मीर राज्य से बाहर, जम्मू कश्मीर राज्य से हो सकती है, उसका आयात किया जा रहा है, उसकी एज 21 वर्ष से कम आयु की है, किस चीज़ के लिए, कि वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे, उसको विवश किया जाए और उसको इस हेतु इस काम में लगाया जाए, है ना। तो इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, 21 वर्ष से कम आयु की बच्ची को बाहर से लाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर राज्य से लाया जा रहा है, आयुक्त संभोग किसी के साथ करे, तो ऐसे अपराध के लिए, ऐसे व्यक्ति जो करता है, तो 10 वर्ष तक का कारावास प्लस फाइन, और दोनों हो सकते हैं, 12 बताने की आवश्यकता है, 10 वर्ष तक का कारावास मतलब 10 to 10 years। क्लासिफिकेशन यदि इसका देखें तो संज्ञेय है, अजमनति है, असमनीय है, और जो सेशन कोर्ट है उसके द्वारा इसकी ट्रायल होगी, क्योंकि मामला 10 वर्ष तक के कारावास का है और जुर्माने का है। सेक्शन 367 किडनैपिंग और अबडक्टिंग ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट स्लेवरी ETC हुएवर किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन इन ऑर्डर दैट सच पर्सन मे बी सब्जेक्ट और मे बी सो डिस्पोज्ड ऑफ एस टू बी पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू ग्रीवियस हर्ट और स्लेवरी और इट और टू द अननेचुरल लस्ट ऑफ एनी पर्सन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच पर्सन विल बी सो सब्जेक्टेड और disposed of shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Section 367 define karta hai kidnapping, abducting in order to subject person to grievous hurt or slavery. Grievous hurt means ghor upati, isko hum kahenge ghor upati, or slavery matlab dasatva. यह एक और चीज़ है, प्रकृति विरुद्ध हो काम वासना, क्या कर रहा है कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को किडनैप कर रहा है, अबडक्टिंग कर रहा है, काय के लिए, किसी व्यक्ति को कि उसकी घोरपति की जाए या उसको दास बनाया जाए या प्रकृति विरुद्ध काम वासना उसके साथ की जाए, या जानते हुए कि वो यदि उसके साथ उसको ले जाया जाएगा तो उसके साथ इसमें से घोरपति हो सकती है, उसको दास बनाया जा सकता है या प्रकृति विरुद्ध काम वासना की तृप्ति के लिए उसको रखा जा सकता है, तो ऐसा व्यक्ति दोषसिद्धीप है, 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना दोनों हो सकते हैं, ठीक है, 10 to 10 या 10 वर्ष तक कारावास। इसमें समझने लायक बात है, दास मतलब अपने दास गुलाम बनाना, उसकी कोई इच्छा नहीं होगी, उसके साथ कुछ भी करें, कुछ भी उसके साथ अत्याचार किया जाए वो दासत्व में। ग्रेवियस हर्ट मतलब घोर उपाधि, जिसकी परिभाषा सेक्शन 320 IPC में दे रखी है, और उसमें भी 8 प्रकार की कंडीशन है कि किसी व्यक्ति का पुंसत्व हरणम, उसकी एक आँख का स्थायी विच्छेद, एक कान का स्थायी विच्छेद, अस्थि का विसंधान, उसके चलने की क्षमता का उसके चेहरे का विद्रूपीकरण, एसिड फेंक के हो जाता है, उसके मस्तिष्क का, उसके खोपड़ी का स्थायी विसंधान हो जाता है, और इसके अलावा लास्ट में क्या है उसका, कि यदि व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र पीड़ा में रहे, मतलब वो अपने सामान्य कामकाज को भी 20 दिन तक नहीं कर पाता है, सामान्य कामकाज मतलब अपने जो दिनचर्या है, दिन सुबह शाम की वॉशरूम जाना, अपने खाने पीने की चीज़ें अपनी व्यवस्था करना, वो सब कुछ भी नहीं कर पाता है, तो वो ग्रीवियस हर्ट 320 तक का है। तो 320 में ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन किया जाता है, ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, दास बनाने के लिए, प्रकृति विरुद्ध काम वासना के लिए उसका किडनैपिंग और अबडक्शन किया जाता है, तो व्यक्ति को 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना हो सकता है। यदि क्लासिफिकेशन देखें इसका, तो वो संज्ञेय है, नॉन वेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, और सेशन कोर्ट द्वारा इसकी ट्रायल होगी। तो ये सेक्शन 367 हमने देखा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 368 रॉन्गफुली
counseling or keeping in confinement kidnapped or abducted person, whoever knowing that any person has been kidnapped or has been abducted wrongfully conceals or confines such person shall be punished in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person with the same intention or knowledge or for the same purpose as that with or for which he conceals or detains such person in confinement. Section 368 व्यापहत या अपहत व्यक्ति को सदोष पाना या प्रबोध करना। मान लो कोई व्यक्ति उस जो जानता है जानते हुए कि कोई व्यक्ति जिसको यहाँ पे रखा गया है व्यापहत है या अपहत है, मतलब उसका व्यापहरण या किडनैपिंग या अबडक्शन करके उसको यहाँ पे लाया गया है, उसको एक स्थान में उसको रखा गया है ना, उस व्यक्ति को वहाँ पर उन्हें रख दिया है और ये जानते बूझते सदोष छिपाता है, उसको प्रतिरोध में रखता है ऐसे व्यक्ति को, तो ऐसे व्यक्ति को भी यही समझा जाएगा कि उसका आशय उसमें शामिल है, मतलब उसका इंटेंशन उसके साथ मिला हुआ है और व्यक्ति उसको भी वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे कि उस अपहत या व्यपहत करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। ठीक है, मतलब उसका आशय मिल गया और उसने जानते बूझते कि वो व्यक्ति किडनैपिंग है, किडनैप्ड है या अबडक्ट है और उसको रखा हुआ है, उस प्रयोग में रखता है, छिपाता है, तो उसका आशय मिल गया, जो आशय उसका एक हो गया है इसलिए वो भी उसी अपराध की श्रेणी में आ जाएगा जैसे कि उसने ही अपहरण व्यपहरण किया है। तो उसका ट्रायल भी क्लासिफिकेशन भी देखें तो वो उसी कोर्ट के द्वारा ट्रायल होगा जिस कोर्ट में उस अपहृत व्यक्ति का ट्रायल हो रहा है। तो मामला संज्ञेय है, अजमनंती है और असमनीय है, मतलब कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। तो ये सेक्शन 368। सेक्शन 369 किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन, हुएवर किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम पर्सन ऑफ सच चाइल्ड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। सेक्शन 369 MP सिविल जज 2014 और MPADJ 2012 में इस पे क्वेश्चंस आए हैं। सेक्शन 369 किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन, मतलब किसी बच्चे का व्यापहरण या अपहरण जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष से कम आयु के शिशु का व्यापहरण या अपहरण इसलिए किया जाता है कि उसके शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी या कोई उसके जो पहने हुए है वो चुराने के आशय से, बेईमानी पूर्वक लेने के आशय से उसका क्या कर रहा है, वो किडनैपिंग कर रहा है या अब्डक्टिंग कर रहा है। 10 वर्ष से कम आयु के शिशु को व्यापहरण अपहरण करता है ताकि उसके शरीर पर से कोई वो बहुमूल्य चीज़ ले सके या कोई जंगम संपत्ति ले सके। यदि व्यक्ति ऐसा करता है और व्यक्ति को हटाता है, वो उस बच्चे को किडनैपिंग अबडक्टिंग करता है उसकी और उसके ऊपर से कोई चीज़ चोरी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास, 10 to 7 ईयर्स 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। तो व्यक्ति ने क्या किया है, एक बच्चे को उठाया है जो 10 वर्ष से कम आयु का है, कितना 10 ईयर्स 10 वर्ष से कम आयु का, और उसको अबडक्टिंग और किडनैपिंग कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 वर्ष से छोटा है बच्चा तो अबडक्टिंग कैसे होगी, तो उसमें डिपेंड करता है कि यदि क्या लॉफुल गार्जियनशिप में वो था, लॉफुल गार्जियनशिप में से बिना सम्मति से ले गया है तो फिर वहाँ पर किडनैपिंग होगी। अदरवाइज बच्चा कहीं स्थान पर कोई खेल रहा है जहाँ पर वो अपने संरक्षक से दूर है तो वहाँ अबडक्टिंग होगी, इसलिए उन्होंने अबडक्टिंग और किडनैपिंग दोनों लिखा है। और इसका क्लासिफिकेशन यदि देखें तो मामला संज्ञेय है, अजमनती है, असमनीय है और ट्रायल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मतलब प्रथम वर्ग श्रेणी, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा ये विचारणीय होगा मामला। तो सेक्शन 369 देखा। तो दोस्तों आज हमने सेक्शन 359 से लेके सेक्शन 369 देखे, सेक्शन
359 टू सेक्शन 369, ये पूरा का पूरा हमने आज अबडक्टिंग और किडनैपिंग देखा। अब हम देखते हैं दोनों सेक्शंस के बीच में, मतलब अपहरण और व्यापहरण के बीच में हम विशेष रूप से जो अंतर है वो देख लेते हैं एक बार एक दृष्टि में। दोस्तों अब देखते हैं हम किडनैपिंग और अबडक्टिंग के बीच में डिफरेंसेस, व्यापहरण और अपहरण में मुख्य जो अंतर है वो ये है। यदि हम पहले देखें एज के आधार पर, तो किडनैपिंग में एज जो है मेल की लेस देन 16 ईयर्स होना चाहिए और महिला की ये लेस देन 18 ईयर्स होना चाहिए, जबकि इसमें एज लिमिट का कोई प्रावधान नहीं है। अपहरण किसी व्यक्ति की किसी उम्र के व्यक्ति का हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है कि गार्जियन से मतलब विधिपूर्ण संरक्षकता में से बहका के ले जाता है या फुसला के ले जाता है, तो यहाँ गार्जियनशिप आवश्यक है। यहाँ पर कोई आवश्यक नहीं है गार्जियनशिप की, बिना गार्जियनशिप के इसको ले जा सकता है। यहाँ सम्मति का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर यदि जो आपका बालक है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम, 16 वर्ष कम है, बालिका है 18 वर्ष कम है, ये वो सम्मति भी देता है तो उसी संबंधी कोई महत्व नहीं है। जबकि यहाँ पे अपहरण में यदि अपहर होने वाला व्यक्ति अपनी सम्मति दे देता है तो यहाँ अपराध ही नहीं होगा, अपराध ही नहीं होगा। फोर्थ है आशय का कोई महत्व, आशय का कोई महत्व नहीं है कि यहाँ पे आशय आवश्यक नहीं है, इंटेंशन आवश्यक नहीं है। मतलब व्यापहरण यदि किया है विधिपूर्ण संरक्षकता में से हटाया है तो हटाते ही साथ ही अपराध हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आशय के बिना अपराध होगा नहीं, आशय मतलब अपने आप में अपराध कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब किस हेतु से व्यक्ति को हटाया है, उसको व्यापार आयुक्त संभोग के लिए, किसी अन्य से व्यवहार करने के लिए, विकलांग करने के लिए या किसी अन्य कारण से उसको हटाया जाता है, तो फिर वो आशय के साथ मिल जाता है, तब वो अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें इंटेंशन आपकी आवश्यक है। पाँचवा पॉइंट है पूर्ण हो जाता है, मतलब जैसे ही बालक को विधिपूर्ण संरक्षकता में से या बालक सीमा से प्रबंध किया जाता है या उसको ले जाया जाता है, ले जाते साथ ही जैसे हटाया उसने तो यह अपराध पूर्ण हो जाता है। जबकि ये जो अपहरण का अपराध निरंतर जारी रहने वाला अपराध है, निरंतर जारी रहने वाला अपराध मतलब एक व्यक्ति जब एक उस व्यक्ति को अपहृत व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान तीसरे स्थान पर हटाता है तो अपराध लगातार जारी रहता है। इसलिए यह अपराध लगातार जारी रहता है और ये पूर्ण हो जाता है। लास्ट पॉइंट है साधन आवश्यक नहीं है कि उसको कैसे ले जाएगा, बस उसको फुसला के उस विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ले जाना ही आवश्यक है। वो ले गए तो बस अपराध पूर्ण हो गया, जबकि यहाँ पे आवश्यक है कि उसके साथ फोर्स के द्वारा या प्रयोजनापूर्ण तरीके से किस तरह से उसका अपहरण किया गया है। तो दोस्तों हमने आज सेक्शन 359 से लेकर 369 तक व्यापहरण अपहरण देखा, उनके डिफरेंसेज देखे हमने कि भाई कैसे डिफरेंसेज होते हैं। तो दोस्तों ये अच्छा वीडियो था जिसमें हमने अपहरण व्यापहरण को सेक्शन 359 से लेकर 369 तक में देखा, उनके बीच में जो डिफरेंस आवश्यक थे वो देखे। दोस्तों आज हमने देखा व्यापहरण क्या है और अपहरण क्या है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको आज अच्छी तरह से सेक्शन 359 से लेकर सेक्शन 369 तक अपहरण और व्यापहरण समझ में आ गए होंगे कि अपहरण किन कंडीशन में हो सकता है और व्यापहरण किन कंडीशंस में हो सकता है, व्यापहरण के लिए एज लिमिट क्या है और अपहरण के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। डिफरेंसेस भी हमने देखे, और जब सिनॉप्सिस आप तैयार करेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन में दोनों के बारे में, समाज पे इनका क्या प्रभाव पड़ता है उस बारे में भी लिखें, और अंत में सुझाव में भी आप लिख सकते हैं, और इम्पोर्टेंट केसेस आप इंडियन पिनल कोड अटरसाइट की बुक की जो कमेंट्री बुक है, चाहे डॉक्टर मुरलीधर चतुर्वेदी जी की हो, चाहे एस एन मिश्रा की हो, या ओपी श्रीवास्तव जी की हो, या यादव साहब की हो, कोई भी बुक में से आप इसकी कमेंट्री ले सकते हैं, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट केसेस आप ले सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप तैयारी करके इसको तैयार कर सकते हैं। अभी अपने इंडियन पिनल कोड के जो 359 से 369 जो सेक्शन देखे हैं, अभी हमने सिर्फ वुमेन क्रिमिनल लॉ के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए इनको देखा है। जब हम इंडियन पिनल कोड 1860 पे वो वीडियोज़ बनाएंगे तब उनको और डिटेल में हम देखेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा बताइएगा, और कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट आपको करना हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के आने तक जय हिंद जय भारत।